सर, गेहूं जब राजस्थान लाइन दिल्ली 2600 पर है और लोग नए हाई की चर्चा कर रहे हैं और बहुत सी बातें बाजारों में चल रही है, तो आपका गेहूं पर क्या मानना है? देखिए, जो चने में हुआ है वही गेहूं में हुआ है। जो उत्पादन आंकड़े आए हैं उससे मतलब उसमें और जो फिजिकल आंकड़े से सप्लाई डिमांड का पूरा गेम जो है वो चेंज हो जाता है। गेहूं में भी इस बार ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर क्रॉप डैमेज हुई थी, कहीं बारिश थी कहीं धूप पड़ी थी, उस वजह से क्रॉप काफ़ी डैमेज हुई थी, उत्पादन में बहुत कमी आई थी। 187 लाख टन हम खरीद पाए थे लास्ट ईयर। उस वजह से जो हमारा केंद्रीय पूल में जो स्टॉक था, मतलब 3 सालों के अंदर आधे से कम रह गया। फिर उसकी डिमांड आई, त्योहारिक डिमांड आ गई, उसके बाद में फिर हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, गेहूं उत्पादों को बैन कर दिया, स्टॉक लिमिट लगा दी। अब ये जो नेफेड जो OMSS के तहत जो FCI गेहूं बेच रहा है वो भी अच्छे भाव पर बिक रहे हैं और दिन ब दिन स्टॉक भी कम हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं गेहूं में कोई मंदा है। इसमें गेहूं बहुत बढ़िया रहेगा। और गेहूं में एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, तो हमारे पास कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जो 45 से ऊपर टेम्परेचर को झेल सके। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही टेम्परेचर हमारा 45 से ऊपर जाता है वहीं दाना हमारा सूख जाता है। तो हमारे वैज्ञानिकों को भी इस पर काम करना चाहिए कि जो गेहूँ और ज़्यादा हीट टॉलरेंस हो उसके सीड को डेवलप करना चाहिए, अदरवाइज ये चलता रहेगा, गेहूँ में प्रॉब्लम आती रहेगी।